राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने स्पष्ट किया कि निधि की कमी के कारण महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ की इमारत का निर्माण कार्य नहीं रुकेगा। पहले चरण में निधि की कमी के कारण निर्माण कार्य अधूरा रहा, इसमें 13 इमारतें शामिल है। शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू होगा। 95 करोड़ निधि की जरूरत है, इसे उपलब्ध कराने के लिए उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार से चर्चा की जाएगी। मंत्री सामंत ने विधि विद्यापीठ परिसर की नई इमारत के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। वारंगा स्थित महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ की बैठक में बोल रहे थे। इस दौरान विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर विजेंद्र कुमार, लोक कर्म विभाग के कार्यकारी अभियंता जनार्दन भानु समेत अन्य लोग उपस्थित थे।